Hello everyone, welcome to the YouTube channel Botany for All. In our today's video, we are going to discuss the another angiospermic family, that is the Euphorbiaceae. The type genus for the Euphorbiaceae family is Euphorbia. Euphorbia is generally or also called Sperg. Sperg bhi kehte hain Euphorbia ko, that is why this family is also called the Sperg family. Or we can remember it by the name rubber family or the castor family. Kuch common members ki iski baat karein, generally 300 genus paaye jaate hain in the 300 genus and 7500 species. So it is a kind of wide family and it is among the widest families also. So Ricinus communis, these are the common member. Castor ya arend jisko kehte hain, this is the most common member. Euphorbia splendens, crown of thorns, ye ek xerophyte hai, बहुत कॉमन है, ऑर्नामेंटल जेरोफाइट है. एक्चुअली इसके अंदर जो फ्लावर आते हैं उसमें ब्राइट टेपल्स होते हैं, लिप लाइक टेपल्स होते हैं रेड कलर के. व्हेनेवर वी विल स्टडी एनी ऑफ द फैमिली, राइट नाउ आई एम कन्वेइंग थ्रू द व्हाइट बोर्ड पैटर्न. अगर पीपीटी से पढ़ाता तो आई कैन टू इंसर्ट द इमेजेस, सो बेटर आप गूगल करके इमेजेस देखें, बहुत अच्छा रहता है अगर प्लांट्स को हम आइडेंटिफाई करते रहते हैं. कैस्टर भी एक बहुत कॉमन प्लांट है नॉर्थ इंडिया में, वाइल्ड प्लांट है, अपने आप भी उग जाता है. एरेंड जिसको कहते हैं, कैस्टर ऑयल भी निकाला जाता है. रिसिनस कम्युनिस. फाइलेंथस एम्बलिका, आंवला के बारे में आप जानते होंगे, एडिबल भी है, मेडिसिनल भी है. पॉइंसेटिया भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, दैट इज आल्सो द मेंबर ऑफ यूफोर्बियासी. मैनीहॉट एस्कुलेंटा कसावा, दिस इज अ वेजिटेबल एंड इट इज आल्सो कॉमन एंड दिस प्लांट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बॉटनिकल नेम भी इन सबके याद रखने हमें. हीविया ब्रेसिलेंसिस, ऑफ कोर्स द रबर प्लांट, इट इज आल्सो द इंपॉर्टेंट प्लांट. तो इकोनॉमिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन पे पूछे जाते हैं. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पर्ग फैमिली और द यूफोर्बियासी एंड दीज आर सम कॉमन मेंबर्स. इट इज द फैमिली ऑफ डायकॉट्स, ये भी डायकॉट का फैमिली है. सो वी विल नाउ डिस्कस अबाउट द फ्लोरल डिस्क्रिप्शन. बिफोर डिस्कसिंग द फ्लोरल डिस्क्रिप्शन, लेट मी टेल यू अबाउट सम वेजिटेटिव फीचर्स. देयर इज वन फीचर, दैट इज द सीक्रेशन ऑफ द लेटेक्स. देयर आर सीक्रेटेड टिश्यूज व्हिच सीक्रेट सम काइंड ऑफ द मिल्की सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड द मिल्की लेटेक्स. Or latex, the rubber that we obtained from the plant directly, rubber plant se jo rubber milta hai wo milky latex hai, that is the form of latex jisse commercial rubber bhi banaya jata hai. To ye iska ek characteristic feature hai, theek hai. Aur generally jo xerophytic euphorbiaceae ke member hote hain, jaise ki euphorbia splendens jisko crown of thorns bhi kehte hain, isme leaf nahi hote, spines hote hain, theek hai, thorns hote hain, spines nahi kahenge, thorns kahenge. To जो लीफ का मॉडिफिकेशन है वो क्या है कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए लीफ तो नहीं है, लमाइना तो नहीं है, लेकिन स्टेम फोटोसिंथेटिक हो जाता है जिसको हम फाइलोक्लेड कहते हैं. फाइलोक्लेड, फाइलोकेड नॉट क्लेड, यस फाइलोकेड. तो ये भी एक वेजिटेटिव फीचर है कि जो स्टेम है वो फोटोसिंथेटिक हो जाता है ड्यू टू दियर xerophytic character. लो वाटर कंसेंट्रेशन में या बहुत कम पानी चाहिए, ठीक है, तो वहां पे भी euphorbia splendens ग्रो करता है और जो है ऑर्नामेंटल प्लांट है. सो दिस इज द अनदर वेजिटेटिव फीचर अलोंग विद द लेटेक्स. लेटेक्स भी सीक्रेट करते हैं, ये भी इनका एक पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन है euphorbia फैमिली का. फ्लोरल डिस्क्रिप्शन में हम इन्फ्लोरेसेंस की भी बात करेंगे. एक इन्फ्लोरेसेंस होती है साइथियम. एक स्पेशल टाइप की इन्फ्लोरेसेंस है साइथियम, दैट इज आल्सो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूफोर्बियासी. साइथियम क्या होता है तो इन्फ्लोरेसेंस यानी ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, लेकिन लगता ऐसे जैसे एक ही फ्लावर हो. उसमें जनरली क्या होता है, एक फीमेल फ्लावर होता है सेंटर में, हैविंग स्टाइलिस्टिग्मा ओवरी, ठीक है. अ फीमेल फ्लावर है तो यूनिसेक्सुअल है, स्टेमन वगैरह तो उसमें होंगे नहीं. और बहुत सारे मेल फ्लावर होते हैं, ऐसे मेल फ्लावर जो यूनिस्टेमिनेट है, एक ही फिलामेंट, एक ही एंथर यानी एक स्टेमन, फिर दूसरा फ्लावर, तीसरा फ्लावर, ऐसे चौथा फ्लावर एंड सो ऑन. तो लगता ऐसे है कि बहुत सारे ये जो फ्लावर हैं जिसने सराउंड किया हुआ एक फीमेल फ्लावर को, फीमेल फ्लावर और ये सारे मेल फ्लावर, सो एक फूल का अपीयरेंस देता है, एक फ्लावर का अपीयरेंस देता है. दिस टाइप ऑफ स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस हैविंग सो मेनी मेल फ्लावर्स एंड अ सिंगल फीमेल फ्लावर इज कॉल्ड द साइथियम इन्फ्लोरेसेंस. इसके बारे में आप इन्फ्लोरेसेंस में या स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस की वीडियो में देख पाएंगे. सो दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द यूफोर्बियासी. नाउ वी विल डिस्कस द फ्लोरल डिस्क्रिप्शन इन द सीरीज. Now we will discuss the floral description. Vegetative description generally जब हम कोई family पढ़ते हैं taxonomy में तो नहीं mention करते,
अदर देन दैट आप मेंशन कर भी सकते हैं रूट स्टेम लीफ डायकॉटमी किस तरह के हैं या इंडिविजुअली किस फैमिली में है, दैट यू कैन ऑल्सो मेंशन. सो बेसिकली वेन एवर वी विल रेफर द फ्लोरल डिस्क्रिप्शन वी विल स्टार्ट विद द इनफ्लोरेसेंस. इन्फ्लोरेसेंस इज द क्लस्टर ग्रुप और अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर इस फैमिली का यूफोरबियसी का साइथियम होता है. देखिए मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स किसी भी फैमिली या उसके मेंबर के मैच करते हैं बट कुछ यूनिक हो सकते हैं किसी मेंबर के लिए. सो अदर देन द रिसिनस बाकी सब में साइथियम इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है. साइथियम अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया था ठीक है जब यूनिक फीचर्स मैंने बताए. तो यहाँ पे साइथियम नहीं यहाँ पर रेसिमी इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलती है. साइथियम एक स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है जो इस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बट रिसिनस कम्यूनिस में बेसिकली रेसिमी देखने को मिलता है ठीक है. टिपिकल रेसिमी में क्या है बट यहाँ पर फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल है. प्लांट मोनोशियस ही है दोनों सेक्स के फ्लावर्स मेल भी फीमेल भी एक ही प्लांट पर है ठीक है. लेकिन इसमें क्या होता है एक टर्मिनल रेसिमी होती है. रेसिमे में इनडेफिनेट फ्लावर्स आते हैं ठीक है. तो नीचे से और ऊपर की तरफ इनडेफिनेट फ्लावर आते हैं. सो बेसिकली क्योंकि फ्लावर यूनिसेक्सुअल है अलग अलग है तो बेस पर मेल फ्लावर्स होते हैं ठीक है मेल फ्लावर्स और टर्मिनल पोजीशन यानी ऊपर की तरफ फीमेल फ्लावर्स होते हैं. तो इन्फ्लोरेसेंस की बात करें केवल रिसिनस कम्युनिस में रेसिमी इन्फ्लोरेसेंस होती है. अगेन आई एम रिपीटिंग इफ यू वांट टू स्टडी द व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस यू कैन रेफर द वीडियो इन द कंसर्न प्लेलिस्ट दैट इज द प्लांट टैक्सोनॉमी. कुछ स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस भी मैंने पढ़ाए हुए हैं अगर वहां नहीं होंगे तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो. रेसिमोज और साइमोज के बारे में ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन द इन्फ्लोरेसेंस वीडियो. तो यहाँ रेसिमी इन्फ्लोरेसेंस होती है. फ्लावर की अगर मैं बात करूं बहुत से कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो हम फ्लावर में भी लिखते हैं जैसे उसकी सेक्सुअलिटी जैसे उसकी सिमेट्री. तो फ्लावर जो होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं फैमिली में भी और रिसिनस कम्युनिस में भी. मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं फ्लावर्स के बारे में. मेल एट बेस फीमेल एट टॉप और टर्मिनल वी कैन से. रेसिमी है तो हम टर्मिनल कह सकते हैं या टॉप कह सकते हैं. तो फ्लावर्स जो होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं. सिमेट्री की बात करूं तो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं. प्लांट अलग अलग नहीं है कि मेल कैस्टर अलग है फीमेल क्लस्टर अलग है ठीक है. कैस्टर अलग है प्लांट मोनोशियस ही है लेकिन फ्लावर क्या है यूनिसेक्सुअल है. अलग अलग तरह के फ्लावर पाए जाते हैं. सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक है. एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है रेडियल सिमेट्री है. सपोज दिस इज वन फ्लावर कोई इस तरह का फ्लावर है तो उसके कई एक्सिस हैं उसको कट करने के लिए. जाइगोमॉर्फिक में केवल एक ही एक्सिस होता है एक से ज्यादा नहीं होते. तो ये एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री पाई जाती है इस तरह के इस फैमिली में. पेडिसलेट होते हैं पेडिसल प्रेजेंट होता है. ब्रैक्टिएट होते हैं ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है. तो ये कुछ फ्लावर के फीचर हैं जो हम लिखते हैं फ्लावर के बारे में ठीक है. मेनली यूनिसेक्सुअल होते हैं. पेटल्स नहीं होते ए पेटल्स होते हैं. पेटल या सेपल में ना डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते आप तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पेरियंथ. और पेरियंथ की यूनिट होती है टेपल. देखिए सेपल अलग से दिखे पेटल अलग से दिखे ठीक है. तो वो कंडीशन जो है एक नॉर्मल कंडीशन है. पर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते अलग अलग नहीं कर सकते कि कौन से सेपल हैं कौन से पेटल हैं. तो जब सेपल और पेटल एक ही यूनिट होते हैं जॉइंट होते हैं तो उसको बोला जाता है टेपल ठीक है. और टेपल के लिए वर्ड क्या है पेरियंथ. जैसे कैलिक्स की यूनिट है सेपल कोरोला की यूनिट है पेटल ऐसे ही पेरियंथ वर्ड यूज किया जाता है जब सेपल और पेटल कंबाइंड हो अनडिफरेंशिएटेड हो तो उसके लिए यूनिट होती है टेपल. कैलेक्स को सी से लिखते हैं फॉर्मूला में कोरोला को जो है कैलेक्स को के से कोरोला को सी से और पेरियंथ को पी से लिखते हैं फ्लोरल फॉर्मूला में ठीक है. कैलेक्स के से कोरोला सी से पेरियंथ पी से. तो टेपल वर्ड एक यूनिट है. एक टेपल का मतलब है जब सेपल और पेटल आपस में डिफरेंशिएटेड ना हो इस कंडीशन को हम पेरियंथ कहते हैं जिसकी यूनिट होती है टेपल. तो फ्लावर्स जो होते हैं वो पेरियंथ रखते हैं अपने पास सेपल्स और पेटल्स डिफरेंशिएटेड नहीं होते क्योंकि यूनिसेक्सुअल है. तो चारों होरल एक ही फ्लावर में नहीं है इसलिए इनकम्प्लीट फ्लावर है ठीक है क्योंकि चारों होरल नहीं है. और हाइपोगाइनस होते हैं.
अब हाइपोगाइनस वही होगा कौन सा, फीमेल फ्लावर ही, क्योंकि मेल फ्लावर में तो ओवरी का सवाल ही नहीं बनता, गाइनोशियम है ही नहीं, जहां गाइनोशियम है वहां वो सुपीरियर है, तो हम कहते हैं कि फ्लावर जो है वो हाइपोगाइनस है। अब फ्लोरल डिस्क्रिप्शन में हम दोनों तरह के फ्लावर्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिस्कस करेंगे। ये बात थी कॉमन फ्लावरिंग की, कि जो हम फ्लावर के बारे में ओवर कलेक्टर लिखें तो यही सब लिखें, क्योंकि दोनों जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक है। तो पर्टिकुलरली बात करते हैं पहले मेल फ्लावर की। तो दीज वर सम कॉमन कैरेक्टर, नाउ आई एम राइटिंग द सेपरेट कैरेक्टर्स फॉर द मेल एज वेल एज द फीमेल फ्लावर इन अ डिफरेंट स्लाइड। फॉर्मूला भी यहाँ नीचे ही हम ड्रॉ कर लेंगे। So here I will write about the male flower first. किसी भी फ्लोरल डिस्क्रिप्शन में इनफ्लोरेसेंस या फ्लावर लिखने के बाद कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये चार चीजें लिखी जाती हैं। तो यहाँ कैलेक्स और कोरोला है ही नहीं, ठीक है, यानी सेपल पेटल तो है नहीं, दोनों जॉइंट हैं, तो उसके लिए हम लिखते हैं पेरियंथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेरियंथ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जब कैलेक्स और कोरोला अनडिफरेंशिएटेड हो, अलग अलग ना हो। तो कैलेक्स या कोरोला में हम पेटल्स या सेपल का नंबर लिखते थे, तो यहाँ पेरियंथ में हम टेपल का नंबर लिखेंगे। तो टेपल जनरली 3 से 5 होते हैं पूरी फैमिली में, रिक्सिनस में टेपल 5 होते हैं जनरली, ठीक है। यूफोर्बियसी की बात करूं तो 3 से 5 होते हैं, वेरी कर सकते हैं। अब टेपल्स जो है वो यूनाइटेड है, तो टेपल्स यूनाइटेड है ना, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाएगा। देखिए जब सेपल्स यूनाइटेड थे तो हम लिखते थे गैमो सेपलस, जब पेटल्स यूनाइटेड होते तो हम लिखते थे गैमो पेटलस, यानी फ्यूज होते थे। अब टेपल्स फ्यूज है तो हम लिखेंगे गैमो फाइलस, फाइलस वर्ड लिखा जाता है टेपल्स के लिए। फ्री होते तो हम पॉलीपेटलस, पॉलीसेपलस या पॉलीफाइलस लिखते हैं। सो बेटर आई वुड राइट द गैमो फाइलस। सो गैमो फाइलस कंडीशन रिप्रेजेंट द यूनाइटेड नेचर ऑफ द और द यूनाइटेड नेचर ऑफ द पेरियंथ और द टेपल्स। यहाँ क्योंकि कंपैरिजन करेंगे मेल या फीमेल का, तो ओवरी क्योंकि सुपीरियर है तो इसको चाहे तो आप इनफीरियर लिख सकते हैं, पेरियंथ जो है वो उसको आप इनफीरियर लिख सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट एंड्रोशियम लिखेंगे, सीक्वेंस भी ऑफ कोर्स एंड्रोशियम का आता है भाई, तो हम एंड्रोशियम को ही लिखेंगे, ठीक है। एंड्रोशियम मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या स्टेमन, तो मेल फ्लावर है तो एंड्रोशियम के कैरेक्टर ज्यादा लिखेंगे। फैमिली के अंदर स्टेमन्स का नंबर बहुत ज्यादा वेरी करता है, स्टेमन 1 भी हो सकता है, स्टेमन 5 भी हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना साइथियम में यूनिस्टेमिनेट फ्लावर है, तो वहां जो मेल फ्लावर होता है उसमें स्टेमन का नंबर 1 ही होता है, बट यहाँ पर रिसिनस कम्युनिटी में स्टेमन 5 होते हैं, ओके। तो यहाँ हम 1 to 5 नहीं लिखेंगे, फैमिली जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखेंगे तो 1 to 5 हम लिख सकते हैं, यहाँ हम लिखेंगे 5। पॉलीएंड्रस है सारे, पॉलीएंड्रस का मतलब सब अलग अलग है, मानो ये एक स्टेमन है एंथ्रोप्लस फिलामेंट, ये दूसरा स्टेमन है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, एंड सो ऑन। तो सबके पॉइंट ऑफ ओरिजिन अलग अलग है। एक और यूनिक यहाँ पर फीचर होता है कि यहाँ पर फिलामेंट्स ब्रांच्ड होते हैं, जैसे ये कोई कॉमन पॉइंट है, यहाँ से एंथर निकले ऐसे, तो ब्रांच्ड है। अब यहाँ पे एक स्टेमन, दूसरा स्टेमन, यहाँ पर सॉरी एंथर, स्टेमन तो कंप्लीट ही हो गए, तो फिलामेंट्स के अंदर ब्रांचिंग है, ये एक यूनिक फीचर है यूफोर्बियसी का, और सारे अलग अलग पॉइंट से निकल रहे हैं, इसीलिए पॉलीएंड्रस है। अगर एक कॉमन पॉइंट से निकलते तो मोनो एडेल्फस होते, दो कॉमन पॉइंट से निकलते तो डाई एडेल्फस, जैसे कि फैबियसी में कई कॉमन पॉइंट से निकलते हैं तो पॉलीएंड्रस होते हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर। तो पॉलीएंड्रस कंडीशन पाई जाती है स्टेमन के अंदर। मोनोथिकस होते हैं, एक ही थिका प्रेजेंट होता है, लोब दो है, दोनों लोब में एक एक क्या है हमारा स्पोरेंजिया है, ठीक है, ऐसा बटरफ्लाई स्ट्रक्चर आपने देखा होगा एंथर का, दो लोब होते हैं, एक लोब दो लोब, अगर दोनों लोब में दो दो स्पोरेंजियम है तो ये बायाथिकस होता है, अगर एक ही स्पोरेंजियम है दोनों लोब में, एक इधर, तो ये होता है मोनोथिकस। तो यहाँ पर मोनोथिकस एंथर जो है पाए जाते हैं। इंट्रोज होते हैं स्टेमन, इंट्रोज होने का मतलब नीचे होते हैं पेटल्स से, पेटल तो खैर है ही नहीं, पेरियंथ है तो पेरियंथ से नीचे होते हैं, एंट्रोज कहलाएंगे। इनफीरियर चाहे तो आप लिख सकते हैं क्योंकि ओवरी सुपीरियर फीमेल फ्लावर है, अदरवाइज वी कैन आल्सो स्किप दैट। बेसी फिक्स्ड है,
फिक्सेशन लिखते हैं हम एंथर की। बेसिफिक्स का मतलब इस तरह से, ये जो एंथर है इस पर जो फिलामेंट है वो बेस से अटैच है ऐसे यहाँ पर। अगर बैक सरफेस से अटैच होता है ऐसे तो वो डॉर्सिफिक्स होता है या वर्सेटाइल होता है, अगर बहुत स्मॉल टिप लाइक स्ट्रक्चर से अटैच है। और पूरी लेंथ पर होता तो एडेनेट होता, मान लो ये एंथर होता है इसके पूरे लेंथ पर फिलामेंट होता पीछे की तरफ तो वो एडेनेट होता, तो यहाँ केवल बेस से अटैच होता है बेसिफिक्स्ड। तो बेसिफिक्स्ड टाइप के एंथर पाए जाते हैं किसके अंदर, यूफोर्बियसी के अंदर। दीज आर द फीचर्स दैट वी कैन राइट इन द एंड्रोशियम। इसके अलावा गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम होता ही नहीं, ये कुछ फीचर है मोनोथिकस होना, ब्रांच्ड होना, ब्रांच भी मैं लिख देता हूँ, ब्रांच्ड फिलामेंट्स, और फिलामेंट्स के ऊपर क्या होते हैं स्टेमन होते हैं। तो ये मेल फ्लावर के फीचर हैं, गाइनोशियम जो होती है वो एब्सेंट होगी क्योंकि ये मेल फ्लावर है। अब बात करते हैं फीमेल फ्लावर की। फीमेल फ्लावर में भी सिमिलरली कैलेक्स कोरोला अलग अलग नहीं है, पैरियंथ है डायरेक्ट, यानी वहां भी टेपल का नंबर होगा। तो देखिए फैमिली में अगर बात करूं ओवरऑल तो फैमिली में 3 to 5 वेरी कर सकते हैं। रिसनेस कमीज में बेसिकली बात करूं वो 5 टेपल होते हैं फीमेल फ्लावर में भी। सभी मेंबर्स में यूनिसेक्सुअली फ्लावर है, मेल है फीमेल है। इन्फ्लोरेसेंस वेरी करती है, टेपल का नंबर वेरी करता है, स्टेमन का नंबर वेरी करता है। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द कैरेक्टर्स ऑफ द रिसनेस कमीज, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द 5 टेपल्स। यहां भी फ्यूज होते हैं तो गैमोफाइलस हम लिखेंगे, टेपल्स आपस में फ्यूज होते हैं। सेपलॉइड कंडीशन होती है, थोड़े थोड़े सेपल के जैसे लगते हैं यानी ग्रीन कलर के लगते हैं बट अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। तो पैरियंथ के बारे में हमें लिखना है मेनली, गैमोफाइलस कंडीशन, एंड्रोशियम यहाँ होता नहीं। क्योंकि ये फीमेल फ्लावर है तो नेक्स्ट आता है गाइनोशियम। देखिए फ्रूट भी नहीं लिख सकते हम, चाहे तो फ्रूट हम लिखते हैं अदरवाइज जरूरी भी नहीं है, बट मेल फ्लावर में तो फ्रूट भी नहीं लिखे हैं क्योंकि वो फ्रूट बनता नहीं, फीमेल फ्लावर फ्रूट बनता है। तो गाइनोशियम की बात करूं तो रिसिनस कम्युनिस ट्राई कार्पलरी होता है, 3 कार्पल होते हैं, 3 कार्पल होते हैं, 3 ही चैम्बर होते हैं, ट्राई लॉक्यूलर भी है। मैंने काफी सारे वीडियोस में पहले भी बताया फैमिलीज में जनरली जितने कार्पल उतने ही चैम्बर होते हैं या जितने चैम्बर उतने ही कार्पल होते हैं, बट ऐसा हमेशा भी जरूरी नहीं है। रेनन कुलेसी जैसे कि देखिए ये 3 चैम्बर हैं ओवरी के अंदर, 1 2 3, तीनों चैम्बर्स में ओव्यूल कंटेनिंग स्ट्रक्चर को हम कार्पल कहते हैं। मानो ये ओव्यूल कंटेनिंग स्ट्रक्चर है, कार्पल्स है, 3 ही कार्पल हो गए, ओके। बट ऐसा जरूरी नहीं है, ये एक ओवरी है जिसका सिंगल चैम्बर है, उसमें ये एक कार्पल, दूसरा कार्पल, तीसरा कार्पल, चौथा, पांचवा, 1 2 3 4 5, तो ये यूनिलॉक्यूलर है, चैम्बर एक ही है और कार्पल 5 है। तो एक्सेप्शंस भी हैं जैसे रेनन कुलेसी, बट जनरली ऑलमोस्ट ऑल फैमिलीज में जितने कार्पल होते हैं उतने ही चैम्बर होते हैं, उतने ही लॉक्यूल्स होते हैं। तो लॉक्यूल एक डिफरेंट थिंग है, कार्पल एक डिफरेंट थिंग है। कार्पल जो ओव्यूल कंटेनिंग स्ट्रक्चर या चैम्बर को बोलते हैं, जिस पर ओव्यूल बोर्न होता है उस टिश्यू को प्लेसेंटा बोलते हैं, या फ्लोरल टर्म्स में पढ़ सकते हैं चीज, क्योंकि 3 कार्पल हैं या 3 लॉक्यूल्स आपस में वो फ्यूज हैं तो हम सिन कार्पस लिखते हैं। अगर फ्री होते जैसे रेनन कुलेसी का मैंने दिखाया था, वहां वो फ्यूज नहीं थे आपस में, चाहे 2 हो, 3 हो या 5 हो, जैसे मेलवेसी में 5 कार्पल होते हैं, वो मैक्सिमम फ्यूज ही होते हैं, इसलिए सिन कार्पस कंडीशन है। सिन कार्पस का मतलब कार्पल्स आपस में फ्यूज है, हर एक चैम्बर में एक ओव्यूल होता है, 1 ओव्यूल इन ईच कार्पल और लॉक्यूल, चैम्बर लिख दो चाहे कार्पल लिख दो, लॉक्यूल, हर एक चैम्बर में, हर एक लॉक्यूल में या हर एक कार्पल में एक ही ओव्यूल होता है। जैसे बात करूं सोलेनेसी की, तो सोलेनेसी में एक कार्पल में मल्टी ओव्यूल कंडीशन है, एक ही कार्पल में बहुत सारे ओव्यूल हो सकते हैं, जैसे बाई कार्पलेट है सोलेनेसी, 1 और 2, तो इसमें बहुत से ओव्यूल होते हैं ऐसे, जैसे कि टमाटर आपने देखा होगा, ठीक है, टमाटर हालांकि बाई कार्पलेट भी है, ट्राई कार्पलेट भी, अलग अलग वेराइटी है, बट जो नॉर्मल टोमेटो है सोलेनेसी फैमिली का उसमें क्या होता है जनरली बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं एक ही कार्पल में, बट यहाँ एक ही ओव्यूल है एक कार्पल या एक चैम्बर के अंदर। जो हम पर्टिकुलर कैस्ट इसकी बात करें कैस्टर बीन्स की, तो इसमें स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो स्पाइंस के जैसी लगती है, जिनको ट्यूबर सेल्स कहते हैं, ट्यूबरक्लस या ट्यूबर सेल्स इस तरह से लिखा जाता है। ये क्या कहलाते हैं, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर है जो ओवेरी पर पाए जाते हैं।
कुछ और मेंबर्स की बात करूं तो नेक्टिफेरस डिस्क भी पाई जाती है जो नेक्टर को सीक्रेट करती है, जैसे कि आंवला के अंदर फाइलेंथस में। बटरेसिनस कम्युनिस की मैं बात करूं तो बेसिकली ट्यूबर ट्यूबर सेल्स होते हैं, जैसे ये मान लीजिए फ्लावर है, फीमेल फ्लावर, ये ओवरी है, तो इसके ऊपर इस तरह से स्पाइंस के जैसे होते हैं। इन रियली दे आर नॉट स्पाइंस, उनको आप टच करेंगे सो दे विल नॉट बी हार्मफुल लाइक द स्पाइंस, ना तो वो चुभेंगे ना किसी तरह का पेन होगा, दे आर ऑफ स्मूथ नेचर। जब ओवरी फ्रूट बन जाती है तब भी रहते हैं ट्यूबर सेल्स। आप कभी कैस्टर का फ्रूट देखें, एरंड का आप बीज देखें, फ्रूट या बीज देखें, तो उसमें जनरली क्या होते हैं, ट्यूबर सेल्स प्रेजेंट होते हैं फ्रूट बनने के बाद भी। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, रिसिनस कम्युनिस का। एक्साइल प्लेसेंटेशन होती है, जब बहुत सारे लोक्यूल्स होते हैं ना या चैम्बर्स होते हैं तो जनरली एक्साइल प्लेसेंटेशन होगी। एक्साइल होने का मतलब है जैसे ऐसे मान लीजिए तीन चैम्बर हैं, तो ये एक्सिस पर ओव्यूल्स बोर्न होते हैं, प्लेसेंटा जो है ना प्लेसेंटा उसने एक्सिस बनाया हुआ है। एक्साइल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल है टोमेटो, या जिनमें भी ज्यादा कार्पल होते हैं ना एक से ज्यादा, उनमें जनरली एक्साइल प्लेसेंटेशन ही पाई जाती है। ठीक है, टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन भी आप फ्लोरल टर्म्स में पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ बात थी गाइनोशियम के बारे में, ये कुछ फीचर्स थे गाइनोशियम के, सिनकार्पस होना, ट्राइकार्पलरी होना, ट्राइलोक्युलर होना, एक्साइल प्लेसेंटेशन होना, ट्यूबर सेल्स का प्रेजेंट होना, नेक्टिफेरस डिस्क का प्रेजेंट होना, जैसे कि फाइलेंथस में या आंवला में, फ्रूट जो होता है वो सीजोकार्पिक होता है। टाइप ऑफ फ्रूट पर भी आने वाले समय में जरूर वीडियो बनाऊंगा, वहां पर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स क्या है। तो एंड्रोशियम यहाँ पर क्या है, एब्सेंट था। सो दिस इज द फीमेल फ्लावर, ये मेल फ्लावर के फीचर हैं, ये फीमेल फ्लावर के फीचर हैं। नाउ वी विल राइट द फ्लोरल फार्मूला। तो मेल फ्लावर के लिए हम फार्मूला लिखते हैं, मेल फ्लावर ब्रैक्टीएट है, ठीक है, फीमेल फ्लावर भी ब्रैक्टीएट है, दोनों में ब्रैक्टीएट लिख देता हूँ। पहले हम ब्रैक्टी लिखेंगे, फिर हम सिमेट्री लिखते हैं, सिमेट्री दोनों की एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है, जाइगोमॉर्फिक के लिए परसेंटेज यूज की जाती है। मेल फ्लावर है तो मेल फ्लावर को हम अलग से दिखा देते हैं इस तरह से, ये फीचर, क्योंकि हम सेक्सुअलिटी लिखते हैं ना, अगर बाइसेक्सुअल होते तो ये सिंबल लिख देते हैं हम, बट मेल फ्लावर तो केवल मेल का ही सिंबल लिख सकते हैं, फीमेल है तो यहाँ पर सेक्सुअलिटी के हम फीमेल लिख सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, हर एक फैमिली में ऐसे ही लिखते हैं, पहले ब्रैक्ट मेंशन करते हैं, फिर हम सिमेट्री मेंशन करते हैं, फिर हम सेक्सुअलिटी मेंशन करते हैं, उसके बाद हम कैलेक्स कोरोला एंड्रोशियम गाइनोशियम मेंशन करते हैं, बट यहाँ कैलेक्स कोरोला तो है ही नहीं, कैलेक्स कोरोला नहीं है तो पैरियंथ है, पैरियंथ के लिए पी लिखा जाता है, ये मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। तो पैरियंथ के लिए लिख दिया पी, पैरियंथ का नंबर लिखेंगे, देखिए पांच है तो पांच लिख दिया, क्या फ्यूज है या फ्री है, फ्यूज है गैमोफाइलस तो हम ब्रैकेट लगाएंगे, फ्यूज है तो, फ्री होते तो ब्रैकेट नहीं लगाते। क्या एंड्रोशियम है, यस है, तो ए के लिए एंड्रोशियम है, पांच स्टेमन है, फाइव मैंने लिख दिया। पॉलीएंड्रस है, कहीं भी फ्यूज नहीं है, अलग अलग है सारे स्टेमन, पांचों अलग अलग पॉइंट से निकल रहे हैं, तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। ठीक है, गाइनोशियम जी कितना है, जी है जीरो, कार्पल का नंबर लिख देना तो वो जीरो है, इन्फीरियर या सुपीरियर का कोई वो नहीं है इसमें सिस्टम, तो आप चाहें तो इसको अंडरलाइन ना करें। ठीक है, ओवरी सुपीरियर है तो आप चाहें तो नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं जीरो को, या ना भी करें, या जी ना भी दिखाएं, डजंट मैटर। कोई चीज आपस में फ्यूज नहीं है तो ऐसा कोई सिंबल नहीं दिखाएंगे। सो दिस इज द मेल फ्लावर फ्लोरल फॉर्मूला। फीमेल फ्लावर का कंप्लीट करते हैं, देखिए फीमेल फ्लावर में भी पैरियंथ है तो पी लिखते हैं हम, वहां भी पांच है, फ्यूज है तो पी फाइव लिख दिया मैंने। कुछ स्पीसीज में थ्री भी हो सकता है, आप चाहें तो थ्री भी मेंशन कर सकते हैं, डजंट मैटर, या फाइव लिखेंगे। एंड्रोशियम कितने हैं, जीरो है तो जीरो लिखेंगे, क्योंकि फीमेल फ्लावर में एंड्रोशियम होता ही नहीं। गाइनोशियम में कार्पल का नंबर यहाँ लिखते हैं हम, थ्री लिख दिया, क्या फ्री है या फ्यूज है, सिन कार्पस है, कार्पल फ्यूज है तो ब्रैकेट लगाएंगे। ओवरी सुपीरियर है तो नीचे अंडरलाइन करेंगे, इन्फीरियर होती तो ऊपर अंडरलाइन करते हैं, ये रूल है फ्लोरल फॉर्मूला लिखने का, अलग अलग फैमिलीज में जहाँ इन्फीरियर या सुपीरियर होती है उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। सो दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ द मेल फ्लावर्स, दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ द फीमेल फ्लावर्स। नाउ आई विल ड्रॉ द फ्लोरल डायग्राम, इन दोनों के फ्लोरल डायग्राम लिखता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स रफ कर रहा हूँ, फॉर्मूला लिखे रखा हूँ। ओके, फ्लोरल डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं मेल फ्लावर का। तो देखिए सबसे पहले हम कैलेक्स कोरोला एंड्रोशियम गाइनोशियम, ये सीक्वेंस होता है, तो यहाँ कैलेक्स कोरोला तो अलग अलग है ही नहीं, हमें टेपल ड्रॉ करने हैं। तो टेपल हम क्या करते हैं, कैलेक्स के जैसा शेप ड्रॉ करके उसको फिल कर देते हैं पेटल के जैसा। ठीक है, जनरली कैलेक्स को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं होलो, बट यहाँ हम क्या करेंगे, पेटल्स के जैसा कैलेक्स को फिल भी कर देंगे, दैट रिप्रेजेंट्स द टेपल। तो टेपल यहाँ पर टोटल पांच है, आपस में फ्यूज है तो पांच में ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पर, वन, फ्यूजन भी दिखाएंगे इनका,
लेट मी ड्रॉ इट अगेन प्रॉपरली, मैं एक एक्सिस लेकर ड्रॉ करता हूँ इसको, दीज आर द फाइव स्टेपर्स दैट आई एम ड्रॉइंग. पेन टैब से ड्रॉ करने में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, आप पेपर पर ड्रॉ करें नीट एंड क्लीन. इनको रफ कर रहा हूँ बाय टेकिंग अ वाइट कलर. क्योंकि फ्यूज हैं तो फ्यूजन ऐसे भी दिखा सकते हैं, चाहे तो ऐसे दिखा सकते हैं लाइक दिस. तो इनको फ्यूज दिखा रहा हूं, पांचों टेपल आपस में फ्यूज हैं. दिस थिंग रिप्रेजेंट्स द फ्यूजन. अब मेल फ्लावर है तो एंड्रोशियम दिखाएंगे, गाइनोशियम नहीं दिखाना. एंड्रोशियम इसका है, मैंने आपको बताया था स्पेशल कंडीशन है, पांच स्टेमन है तो पांचों स्टेमन का ओरिजिन अलग अलग है. पहली बात तो पॉलीएंड्रस है, फाइव ये ओरिजिन दिखा दिए. ब्रांच्ड स्टेमन से, तो ब्रांच स्टेमन के लिए देखिए क्या है कि ब्रांचिंग है तो अलग अलग साइड में होगी लाइक दिस. ऐसे स्टेमन है, ये उनके एंथर्स हैं और फिलामेंट है नीचे. ठीक है, तो हर एक में ऐसे ही हम दिखाएंगे. कैसे भी रैंडमली सभी पर ब्रांच्ड एंथर्स. तो पांचों एंथर ब्रांच्ड हैं, अलग अलग हैं, पॉलीएंड्रस कंडीशन है. ठीक है, इधर मदर एक्सिस होता है और ये ब्रैक्ट है. पीछे वीडियोस में मैंने बताया मदर एक्सिस क्या है, ब्रैक्ट क्या है. पोस्टीरियर साइड को मदर एक्सिस दिखाते हैं और एंटीरियर साइड की तरफ ब्रैक्ट दिखाते हैं. सो इधर आपका ये ब्रैक्ट शो करता है और वो मदर एक्सिस है. दीज आर द मेल फ्लावर्स और द फ्लोरल डायग्राम ऑफ द male flowers. These are the tepals and these are the branched anthers. Similarly draw karenge female flower ke liye. So I am drawing a tepals or the calyx for the female flowers. So female flower mein bhi tepals 5 hote hain. Yahan par tepals dikhaye hain. Idhar mother axis hota hai, idhar bract hota hai, wo bhi bractate hai. Flower dono bractate hai, isliye common feature mein humne bract dikhaya tha. फ्लावर में दिस आर द टेपल्स, दिस इज द मदर एक्सिस. पांचों इसमें भी फ्यूज हैं तो यहाँ फ्यूजन दिखाएंगे. एंड्रोशियम नहीं है तो एंड्रोशियम में स्टेमन नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट ओवरी दिखाएंगे. ओवरी में तीन कार्पल्स हैं. सो आई एम ड्रॉइंग फर्स्टली द ओवरी. ये ओवरी है, तीन चैम्बर दिखाते हैं उसमें, 1, 2 and 3. दीज आर द चैम्बर्स, दिस इज द प्लेसेंटा. तीनों में एक एक ओव्यूल है. दीज आर द 3 ओव्यूल्स. सेकेंड थिंग, ओवरी के वॉल पर ट्यूबर सेल्स हैं तो वो ट्यूबर सेल्स भी दिखाते हैं यहाँ पर इस तरह से, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स और स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स. क्योंकि अल्टीमेटली फ्लोरल डायग्राम का मतलब है ऊपर से दिखता कैसा है, एक्सिस से क्या किस तरह का वो दिखता है, कौन सी पोस्टीरियर साइड है, कौन सी एंटीरियर साइड है, किधर सेपल या पेटल है, यहाँ सेपल पेटल नहीं, यहाँ टेपल्स हैं. पेरियंथ कंडीशन जिसको बोलते हैं उसके यूनिट है टेपल. तो ये फ्लोरल डायग्राम है फीमेल फ्लावर का. So these are the floral formula as well as the floral diagram. कुछ identification features की बात करते हैं, यानी summarize करते हैं इस family को. कुछ unique feature की बात करें तो flower unisexual है, हालांकि और भी families में unisexual होते हैं, but इससे आप याद रख सकते हैं U4BSE को. Perianth condition पाई जाती है, यह भी unique है unisexual flower होना. Not too much unique, कुछ और families भी हैं, but as a U4BC family, point of identification आप use कर सकते हैं. Stamen branches में born होते हैं, ये इसका एक unique feature है. Stamen born on branches. Latex secret होता है, vegetative feature है ये. ठीक है, stem से या leaves से latex secret होता है, जैसे rubber है या आंवला है, तो ये भी एक characteristic feature है. Modify होता है stem photosynthesis के लिए, जिसको phylloclade कहते हैं हम. फाइलोकेड नहीं, फाइलोक्लेड ही कहेंगे शायद, मैंने पहले केड बता दिया था. फाइलोक्लेड कहते हैं स्टेम जब फोटोसिंथेटिक होता है. ठीक है, कुछ प्लांट जेरोफिटिक है उनके अंदर ये फीचर है, वहां लीफ लमाइना नहीं होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए,
स्टेम ही फोटोसिंथेटिक होता है जिसको हम फाइलोक्लेड कहते हैं, तो ये भी एक इसका यूनिक फीचर है। ट्यूबर सेल्स का प्रेजेंट होना ओवेरी पर, जैसे कि रिसिनस कम्युनिस में, ये भी एक यूनिक फीचर है। नेक्टिफेरस डिस्क प्रेजेंट होती हैं, वो हालांकि कई फैमिलीज में हो सकती है, बट यूफोरबिसी का भी हम फीचर याद रखते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन। स्टेमन जो होते हैं जनरली वो ब्रांच्ड हैं, ऑल्दो आई हैव रिटन मे बी यस, स्टेमन जो होते हैं वो ब्रांच हैं, तो ये भी एक क्या है हमारा पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन है इस फैमिली के लिए। सो दीज आर सम बेसिक फीचर्स, मेनली आर दी इन्फ्लोरिसेंस साइथियम, इन्फ्लोरिसेंस जो होती है वो भी साइथियम होती है, ये भी एक यूनिक फीचर है। रिसिनस के अलावा जितने भी बाकी मेंबर है सब में साइथियम इन्फ्लोरिसेंस पाई जाती है, स्पेशल तरह की इन्फ्लोरिसेंस। सो दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ द फैमिली यूफोरबिएसी। नाउ वी विल डिस्कस द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें यूफोरबिएसी फैमिली की, तो एडिबल हैं, एज अ फूड यूज किए जाते हैं, जैसे वेजिटेबल में मैंने बताया था कसावा, मैनी हॉट एस्कुलेंटा, उसके अलावा आमला, फाइलेंथस एम्बलिका, दीज आर दी एडिबल वंस और दीज आर यूज एज दी फूड। रबर जो होता है कमर्शियल रबर ऑब्टेन होता है रबर प्लांट से, मेडिसिनल भी है, कैस्टर ऑयल जो होता है ये मेडिसिनल इंपॉर्टेंट है, कैस्टर के सीड से मेनली ऑब्टेंड किया जाता है ऑयल, दैट इज इंपॉर्टेंट। एक प्लांट होता है जेट्रोपा, उनके भी जो सीड्स होते हैं इंपॉर्टेंट है, स्किन डिजीज में यूज किए जाते हैं। सो ओवर एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली आर ऑल्सो मेडिसिनल। कुछ प्लांट से डाई भी बनाई जाती है, जैसे मेलोटस से या जेट्रोपा से, इनसे डाई भी बनते हैं। एक प्लांट होता है जेट्रोपा, इससे डाई भी बनती है, ये मेडिसिनल भी है, ठीक है। उसके अलावा टिम्बर भी ऑब्टेंड की जाती है, जैसे ड्रायपटस एक प्लांट है, ड्रायपटस रॉक्सबर्गी। दिस इज द जीनस, दिस वन इज द स्पीसीज। ये टिम्बर ऑब्टेनिंग प्लांट है, टिम्बर स्टैंड्स फॉर दी वुड, कमर्शियली वुड जो होती है वैसे ऑब्टेंड होती है, और ऑर्नामेंटल भी है, जैसे कि यूफोरबिया स्प्लेंडेंसिस जो हमारा किंग ऑफ थ्रोन्स है या क्राउन ऑफ थ्रोन्स जिसको बोलते हैं। उसके अलावा क्रोटॉन एक प्लांट होता है, एकेल्फा एक प्लांट है, तो बहुत से ऐसे प्लांट है जो हमारे क्या है ऑर्नामेंटल है। ये बेसिकली ऑर्नामेंटल, टिम्बर, डाई, मेडिसिनल, रबर एंड एज अ सोर्स ऑफ फूड, दीज आर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली यूफोरबिएसी। सो इट इज ऑल अबाउट द फैमिली यूफोरबिएसी एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स।